नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। काली पूजा कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, गुमला विशुनपुर विधानसभा राज्यसभा समीर उराव, लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे कृष्ण प्रसाद, जय मां काली पूजा समिति के आजीवन संरक्षक सह आर्मी रिटायर्ड डॉक्टर टी साहू के तत्वाधान में केडी मिश्रा द्वारा पूरी विधि विधान मंत्र उच्चारण के साथ फीता काटकर पूजा का शुभारंभ किया गया। बताते चले कि यह मंदिर 1982 में स्थापित की गई है। इस प्राचीन मंदिर में जो भी भक्तगण अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी हर मुराद पूरी होती है। इस वर्ष काली पूजा पूरे धूमधाम के साथ मनाई गई। यहाँ विभिन्न राज्य और क्षेत्र के लोग भारी संख्या में पूजा देखने पहुंचे थे। बकरे की बलि प्रथा के अनुसार रात के 12 बजे से बलि देने की शुरुआत की गई। इस बार लगभग 400 से ज्यादा बलि दी गई। पूरे कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन चौकस रही, किसी को कोई परेशानी ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं निगनी में सभी के घरों में दूर दराज से मेहमान पहुंचे थे। पूजा के अवसर पर मंगलवार को 2 बजे से निगनी मैदान में सांस्कृतिक रंगारंग ओडिशा और नागपुरी लोक गीत नृत्य का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आर्मी रिटायर्ड डॉक्टर टी साहू ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम 2 बजे से लेकर रात्रि देर रात तक चली। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक नृत्य गीत प्रस्तुत किए। लोग खूब झूमते हुए कार्यक्रम में एंजॉय किए। पूजा समिति निगनी के आजीवन संरक्षक सह आर्मी रिटायर्ड डॉक्टर टी साहू ने सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पूजा सभी लोगों के सहयोग से सफल हुआ है और आगे भी सभी का साथ मिलता रहे। मौके पर जय मां काली पूजा समिति श्री महाकाल ग्रुप निगनी के सदस्य अध्यक्ष राजेश कुमार साहू, गौतम कुमार, नीरज कुमार साहू, नरेश कुमार साहू, कृष्ण प्रसाद साहू, संदीप कुमार साहू, लखन साहू, वोट साहू, कंचन कुमारी, माता काली के सभी भक्तगण सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यहाँ लोग दूर से अपनी मनोकामनाएं के लिए आते हैं, जबकि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसे यहाँ प्रतिवर्ष हजारों हजार की भीड़ होती है और सभी भक्तगण जो भी आपको माँ काली का साक्षात दर्शन हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप माँ काली की भक्ति में लीन हो जाए और जितना भी इनका गुणगान कीजिएगा लोगों में उतनी भक्ति भावना होगी और लोगों को मेरे प्रति आस्था होगी। जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं उनसे मैं यह कहना चाहता हूँ इसी तरह हमारे बीच पहुँचे और इस कार्यक्रम का आनंद लें। हर वर्ष इसी तरह हर्षोल्लास के साथ हम मनाएंगे। सभी समाज सेवा एक साथ है, जितने भी सरना सनातन धर्म है वो भी हमारा एक साथ है। मैं इसके साथ माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि सरना सनातन जो है वो हमारे हिंदू रीति रिवाज जो मानते हैं उनके साथ में सभी खड़े रहें और समाज को तोड़ने का काम ना करें, एक साथ समाज को जोड़ने का काम करें। वी टाइम न्यूज के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।